तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। कोई आम रॉ नहीं थी आज, थी गाइस इन योर फेस मंडे नाइट रॉ, जस्ट लाइक आई एम इन योर फेस राइट नाउ। और बेसिकली आज का शो काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिला, मतलब लोग उम्मीदें लगा के आते हैं कि आज आयुष जो है बेइज्जती करेगा, आज आयुष बेइज्जती करेगा शो की, लेकिन वो दिन ये नहीं होने वाला। आज का शो काफी ज्यादा अच्छा था और हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, पूरा रिव्यू करूंगा मैं इस शो का। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे गाइस, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं शो को स्टार्ट करने बाहर सबसे पहले, और वो बात करते हैं किस तरीके से रैंडी ऑर्टन को उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया और रैंडी आज की रॉ पे नहीं होने वाले, और वो याद दिलाते हैं सारे सुपरस्टार्स की जिनको उन्होंने क्लेम और मारी थी और वो उनका शिकार बन गए थे। और एक काफी फनी फोटो हमें दिखाई जाती है कि सारे उनके जो विक्टिम्स हैं वो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, और ड्रू मैकइंटायर इस सेगमेंट में बेसिकली चैलेंज करते हैं रैंडी ऑर्टन को। वो कहते हैं तुमने मुझे एम्बुलेंस में भेजा, मैंने तुम्हें एम्बुलेंस में भेजा, तो सेंस पूरी बनती है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस में अगर तुम पहुंच पाते हो यहां तक, वापस आ पाते हो सही होके, तो बेसिकली मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा फॉर द WWE चैंपियनशिप। हम मैच करेंगे, एक एम्बुलेंस मैच होगा हमारे बीच में। तो चैंपियन ने चैलेंज करा एक बार चैलेंजर को फिर से, और एडम पियर्स बाहर आके कहते हैं कि भाई देखो तुमने चैलेंज तो कर दिया ऑर्टन को, लेकिन यहां पे बहुत कम चांस है कि वो आ पाएंगे क्लैश ऑफ चैंपियंस में। लेकिन वो कहते हैं आज तुम्हारा मैच होने वाला है कीथ ली के साथ, और अगर उस मैच में कीथ ली तुम्हें हराते हैं तो रैंडी ऑर्टन की बजाय उनको मौका मिल जाएगा फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो ये बड़ी न्यूज से अनाउंसमेंट से स्टार्ट हो जाती है मंडे नाइट रॉ। तो कीथ ली आ जाते हैं बाहर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप तो देखने को मिलती है, लेकिन साथ के साथ थोड़ा सा वो एटीट्यूड भी नजर आता है कि हाँ ये दोनों जो है अपने आप को ज्यादा बेटर मानते हैं दूसरे बंदे से। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम चैंपियन वर्सेस टैग टीम चैंपियन मैच, यानी कि शिंसुके नाकामुरा एंड सेजारो अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। दो हफ्तों से इसकी बिल्ड चल रही है, फाइनली हमें देखने को मिला आज ये मैच। काफी अच्छा मैच था, मैं कहना चाहूंगा मैच एंटरटेनिंग था, मजा आया देख के। लेकिन सेजारो यहाँ पे पिन हो गए, पूरा मूड ऑफ हो गया एंड के अंदर, और एंजेलो डॉकिंस ने उनको एक स्प्लैश लगा के हरा दिया। तो स्मैकडाउन चैंपियंस आए मंडे नाइट रॉ पे बड़ी चौड़ में आए थे भाई कि हम तो हैं रॉ के टैग टीम चैंपियन से बढ़िया हैं, और रॉ के टैग टीम चैंपियन से वो हार गए। और इंटरेस्टिंग काफी ये है क्योंकि अभी कल और परसों मैंने अंडररेटेड ओवररेटेड की वीडियो बनाई है, ओवररेटेड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स थे और नाकामुरा सेजारो अंडररेटेड वाली वीडियो में मैंने उनका नाम लिया था, तो पता लग गया क्लियरली कि मैंने क्यों ये चीज बोली थी, और आज मंडे नाइट रॉ पे एक बार फिर से हो गई ये प्रूफ। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बैकस्टेज की एंजल गार्जा बात कर रहे होते हैं लाना से, बेसिकली फ्लर्ट कर रहे होते हैं, और ज़ेलिना वेगा आके यहां पे उनको कहते हैं कि भाई देखो पिछले दो हफ्तों से तुम्हारी वजह से हम मैच हार चुके हैं अपना, और तुम यहां पे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। और एंजल गार्जा कहते हैं बहुत हो गया कि हमेशा तुम मुझे ब्लेम करते रहते हो, अंड्राडे गोल्डन बॉय है, इसको क्यों नहीं तुम कुछ कहते। और आपस में दोनों बहसने लग जाते हैं, ज़ेलिना वेगा कहते हैं कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, और वो इनको यहां से छोड़कर चली जाती है, और गार्जा और अंड्राडे जो है यहां पे ब्रॉल करनी शुरू कर देते हैं। तो काइंड ऑफ इंडिकेशन मिल गई है कि ज़ेलिना वेगा ने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया है, कब तक वो चलेगा, और आगे भी शो में हमें इंडिकेशन मिला जो कि इस चीज को शायद करता है प्रूफ। इसके बाद आ जाते हैं गाइस दी हर्ट बिजनेस रिंग के अंदर, और ऑब्वियसली सेड्रिक अलेक्जेंडर उनके साथ थे, एमवीपी कहते हैं सारी डील साइन हो चुके हैं, और अब अलेक्जेंडर जो है वो ऑफिशियल मेंबर बन चुके हैं हर्ट बिजनेस के। और अलेक्जेंडर माइक लेके कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अच्छी साइड पे था तो मैं बहुत बढ़िया था, लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि हर हफ्ते जब मेरी पिटाई होती थी तो मुझे कैसा फील होता था, और मुझे कैसा फील होता था कि मेरा करियर किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो ये डिसीजन मेरे लिए बिल्कुल सही था। और यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं इनको अपोलो क्रूज और रिकोशे, और ये लोग आते हैं बाहर बेसिकली गाइस और कहते हैं अलेक्जेंडर तुमने हमारे साथ धोखा करा, तुमने हमारे साथ बहुत गलत करा, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे बेबी फेस वाला रोना धोना इन्होंने यहाँ पे लगाया। और एंड में कहते हैं कि भाई देखो हम तुम्हें यहाँ पे वापस बुलाने नहीं आए, हम तो यहाँ पे तुम्हें मारने आए हैं। और उसके बाद रिकोशे का मैच होता है सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ, बेचारे रिकोशे यहाँ पे मैच को भी हार गए, लंबा चेक लगा दिया यहाँ पे अलेक्जेंडर ने, और रिकोशे की हो गई बल्ले बल्ले, फिर से जाएंगे बैकस्टेज, कोई क्रिएटिव प्लान नहीं है। और सेड्रिक अलेक्जेंडर की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि भाई कमाल लग रहे हैं एज अ हील, मतलब हर्ट बिजनेस पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एमवीपी लैशली बेंजामिन और अब अलेक्जेंडर, इन चारों का जो होल्ड बन चुका है रॉ के ऊपर वो काफी एंटरटेनिंग है। हर चीज के अंदर इनको इन्वॉल्व करा जा रहा है और इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे, एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं देते तो रॉ पे आप मेन चीजों को मिस कर जाएंगे, इसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट था गाइस। और जैसे ही मैच खत्म होता है रेट्रीब्यूशन आ जाती है प्रोमो कट करने, और डोमिनिक डायजकोविक क्लियरली अब तो पता लग रहा है वही हैं, और वो यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली कि हम जो WWE के सुपरस्टार्स हैं हमने भी वही चीज देखी थी यहाँ पे जो कि बाकी सारे लोग ड्रीम लेके आते हैं, लेकिन हमने जब करप्शन को सहा यहाँ की, हमने जब देखा कि मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, तो अब हम अपने तरीके से इस वर्ल्ड को देखेंगे और जो हमें करना है वो करेंगे। और एक और वार्निंग वो देते हैं यहाँ पे मंडे नाइट रॉ को, तो एक काफी अच्छा प्रोमो था यहाँ पे रेट्रीब्यूशन की तरफ से, और मेंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता लग रहा है, लेकिन ये जो मेन मेंबर प्रोमो कट करता है दिस इज डेफिनेटली डोमिनिक डायजकोविक, और आवाज से क्लियरली आप पता लगा सकते हैं।
इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच मिकी जेम्स अगेंस्ट आस्का। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये मैच ठीक ठाक चल रहा था लेकिन एंडिंग इतनी अजीब थी, मतलब हर एक सीक्वेंस बॉच लग रहा था मुझे और एंडिंग भी बॉच थी इस चीज की, क्योंकि लास्ट में पता नहीं हुआ क्या, मिकी जेम्स को चोट लग गई या फिर किसी तरीके की उनको कंकशन हुई या फिर क्या हुआ, लेकिन रेफरी ने इस मैच को रोक दिया और आस्का इस मैच को जीत गई। तो काइंड ऑफ अजीब थी ये सारी चीजें कि आस्का यहाँ पे जीत तो गई, चलो वो तो सबको पता था कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मैच आखिर था क्या है मेरे को पता ही नहीं चला। और मैच के बाद जेलिना वेगा आती है बाहर और जेलिना वेगा यहाँ पे चैलेंज करती है आस्का को फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। मतलब आई थिंक कि इसमें कोई भी सेंस नहीं बनती, अगर बनती है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्या जेलिना वेगा को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का एक स्पॉट मिलना, ऐसे ही मतलब जाके आस्का को बोलना कि भाई मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना टाइटल लेने के लिए, क्या इसमें कोई भी सेंस बनी? और उसके बाद उन्होंने आस्का को चांटा भी मारा और शायद ये मैच अब हमें या तो अगले हफ्ते रॉ पे देखने को मिलेगा या फिर क्लैश ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगा। और इससे क्लियरली पता लगता है कि जो रॉ की विमेन्स डिविजन है इस समय में उसमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि शेना बेजलर जो है जो मेन कैंडिडेट बन सकती थी चैंपियनशिप के लिए वो तो टैग टीम टाइटल के लिए लड़ रही है और यहाँ पे इंडिविजुअल सुपरस्टार्स में कोई बचा नहीं है और अब इतनी हालत खराब हो गई है कि जेलिना वेगा को मौका देना पड़ रहा है। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जेलिना वेगा को मौका मिल रहा है उससे मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से WWE ने इस चीज को दिखाया कि भाई बाहर आओ चांस लो अपना और बस हो गया तुम्हारा काम, ये चीज मुझे कभी भी पसंद नहीं आती। अब चाहे यही चीज कोई ब्रॉक लेसनर जैसा सुपरस्टार करे या फिर जेलिना वेगा जैसी कोई सुपरस्टार। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है बॉबी लैशली का अगेंस्ट एरिक। ऑब्वियसली आईवार जो है वाइकिंग रेडर्स के, उनको अब सर्जरी करवानी पड़ेगी जिसकी वजह से वो बाहर है, तो यहाँ पे काफी इजिली एक सबमिशन से जीत गए बॉबी लैशली, कुछ खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं। और इसके बाद जो चीज हमें देखने को मिली शो में वो काफी इंटरेस्टिंग थी गाइस, कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इज नाउ ऑन रॉ अंडरग्राउंड। मतलब वो शेन मैकमैन के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मैं बहुत गुस्से में हूं, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे मैं तो मैं तुम्हें जो है मार के दरवाजा खोलूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे वो बहुत गुस्से में है, वो जाते हैं अंदर, डॉल्फ जिगलर वगैरह लड़ रहे हैं, रिक डिक मॉस है और बेसिकली यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन क्योस करते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन सबको मार धो के वहां पे डब्बा काटो के साथ जो है वो करते हैं अपना, फिर से मैं मतलब नाम बोल रहा हूँ डब्बा काटो, आई स्टिल कांट बिलीव हिज नेम डब्बा काटो, पर डब्बा काटो जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को कन्फ्रंट करते हैं। शेन मैकमैन कहते हैं भाई ये चीज हम अगले हफ्ते के लिए छोड़ेंगे, तो अगले हफ्ते जो हमें ब्रॉल है काइंड ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं भाई, ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है अब आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे, मतलब यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारे, अरे मुझे क्या, मैं तो चला मंडे नाइट रॉ पे, वहां पे तो कोई भी लड़ सकता है, वहां तो अंडरग्राउंड आ चुके हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मारा यहाँ पे मौके पे चौका और विंस मैकमैन का खिलौना है ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिसको कभी इधर फेंक सकते हो कभी उधर फेंक सकते हो, वो कुछ कह भी नहीं सकता और तुम्हें उसके साथ जो करना है तुम कर लो। तो विंस मैकमैन एक्चुअल पपेट इज नॉट द वन इन द ब्रे वाइट फायरफ्लाई फन हाउस, ही इज एक्चुअली ब्रॉन स्ट्रोमैन गाइस, ये है ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे। तो एक्चुअली में वो आ चुके हैं, काफी अच्छा लगा उनको देख के, लेकिन आप लोग बताएंगे आपके ओपिनियंस इसके बारे में क्या थे। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कमाल का स्टील केज मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। इस मैच से पहले सेथ कह रहे थे मर्फी को जाके कि भाई सिंपल सी बात है मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ कि आज तुम्हें रिंग साइड पे नहीं आना, और मर्फी ने क्या करा भाई वो रिंग साइड पे आ गए कैंडो स्टिक लेके, ये लो सेथ कैंडो स्टिक और क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कैंडो स्टिक लाया तोहफा है तुम्हारे लिए, मुझे प्लीज रिंग साइड पे खड़े रहने दो, और वो यहाँ पे आके रिंग साइड पे खड़े हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस काफी अच्छा मैच देते हैं डोमिनिक के साथ और लोग कह रहे हैं कि डोमिनिक इज ओवररेटेड, डोमिनिक को पुश मिल रहा है सिर्फ रे मिस्टीरियो की वजह से। वेल दैट्स ट्रू, लेकिन डोमिनिक ने रिंग के अंदर जो अपनी पोटेंशियल है वो शोकेस करी है और वो रे मिस्टीरियो की वजह से नहीं है, डोमिनिक ने अपनी खुद की पोटेंशियल रिंग के अंदर यहाँ पे आके दिखाई कि वो बैक टू मैच ऑन अ वीकली बेसिस एक अच्छा मैच दे सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने एक बार फिर से ये चीज करी। तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाहता, एक बहुत अच्छा स्टील केज मैच था और डोमिनिक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कोशिश करी एस्केप करने की। एक मोमेंट हमें देखने को मिलती है जब रे मिस्टीरियो डोमिनिक का हाथ पकड़ के उनको बाहर खींच रहे होते हैं, लेकिन मर्फी यहाँ पे अटैक कर देते हैं मिस्टीरियो को और उसके बाद वो दरवाजा मारते हैं ठा करके स्टील केज का, लेकिन वहां सेथ खड़े होते हैं तो सेथ को चोट लग जाती है, लेकिन एट द एंड दो स्टॉम्प्स लगाते हैं गाइस सेथ रॉलिंस और पिन कर देते हैं डोमिनिक को। तो यहाँ पे सेथ को जीतना था, मुझे लग रहा था उनको विक्ट्री की जरूरत है, और एंड में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मर्फी को सेथ रॉलिंस बुरे तरीके से अटैक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें बोला गया था भाई बैक स्टेज रुकना है, क्यों आए तुम, तुम्हारे पास मौका था एक बार फिर से मसाया के साथ पॉजिटिव पे रहने का, लेकिन तुम तो भाई चले अपना ही कार्टून काटने। और यहाँ पे गाइस हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रे मिस्टीरियो की बेटी है अलेया, वो जब अंदर घुस रही होती है केज में तो वो मर्फी के ऊपर चेक करती है, एंड आई थिंक दिस इज अ डेफिनेट टीज, और ये एक काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज है कि जो इनकी बेटी है रे मिस्टीरियो की वो करेंगे अपनी फैमिली के ऊपर हील टर्न, और बोलना बहुत जल्दी है लेकिन डेफिनेटली दिस वॉज अ टीजर, और अगर ऐसा होता है तो काफी मजा आएगा क्योंकि वो इस फैमिली की एक क्वाइट कैरेक्टर है तब से और उन्होंने कुछ खास करा नहीं है, और अगर ऐसा वो करती है
तो वो भी लाइमलाइट में आ जाएंगी। तो काफी अच्छा यूज करा जा रहा है मिस्टीरियो फैमिली का, इमोशनल है, रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ, एंड आई रियली एंजॉयड दिस ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद गाइस बैकस्टेज कीथ ली और ड्रू मैकइंटायर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जो है थोड़ा हीटअप हो जाता है मामला और ये दोनों ब्रॉल करने लग जाते हैं बुरे तरीके से। मैकइंटायर लिटरली असली में मैं कहना चाहता हूँ मुक्का मारते हैं कीथ ली के मुंह पे, क्लियरली दिख रहा था, मतलब मैंने तो भाई उसको बैक एंड फोर्थ करके बार बार देखा कि कितना तेज मुक्का मारा था यहाँ पे मैकइंटायर ने कीथ ली को, और उसके बाद लड़ने लग जाते हैं बैकस्टेज अपने मैच से पहले ही। लेकिन एडम पियर्स आके कहते हैं कि भाई अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तुम्हारा मैच मैं कैंसिल कर दूंगा, और इस चीज की मदद से वो है इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद जो मैच देखने को मिलता है वो था केविन ओवेंस अगेंस्ट एलिस्टर ब्लैक, एक अच्छा मैच था लेकिन छोटा मैच था, और केविन ओवेंस स्टनर लगा के जीत चुके हैं यहाँ पे इस वजह से क्योंकि रेट्रीब्यूशन यहाँ पे हिंट दे रही थी अपना फिर से, लाइट्स में वो फ्लिकर होने लग गई थी और इसका फायदा उठा लिया ओवेंस ने और अपने मैच को यहाँ पे जीत गए। इसके बाद गाइस हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है रायट स्क्वाड अगेंस्ट नटालिया एंड लाना, जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, रायट स्क्वाड वॉन द मैच, हम सब जानते हैं उनको टैग टीम टाइटल्स का मौका मिलेगा, वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद नटालिया लाना पड़े होते हैं रिंग के अंदर, शेना बेजलर और नाया जैक्स कॉमेंट्री पे होते हैं और वो अटैक कर देते हैं इनको बुरे तरीके से। नाया जैक्स जो है वो एक समोन ड्रॉप लगाती है लाना के ऊपर थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल, तो ये एक अच्छी चीज थी और फाइनली अब इनको बुक करा जा रहा है थोड़ा डिसेंटली। मैं कहना चाहता हूँ नाया जैक्स शेना बेजलर के साथ रह के बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, तो वो मैं उनको दूंगा। और क्लैश ऑफ चैंपियंस में आई थिंक टाइटल चेंज होने वाला है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टर्न करेंगे और रायट स्क्वाड बन जाएंगे नए चैंपियंस। और इसके बाद फाइनली गाइस इस शो का मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर अगेंस्ट कीथ ली, और अगर आप बहुत समय से रेसलिंग देख रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस मैच के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला था भाई, मतलब चांस ही नहीं बनता कि यहाँ रिजल्ट आ जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रेट्रीब्यूशन आ गई यहाँ पे और उन्होंने इंटरप्ट करा, नो कॉन्टेस्ट में मैच खत्म हो गया, तो कीथ ली को कोई मौका नहीं मिल रहा फॉर द WWE चैंपियनशिप। और हर्ट बिजनेस आ रहा था यहाँ पे इंटरप्ट करके और अटैक करने के लिए रेट्रीब्यूशन को, क्योंकि बेसिकली उन्होंने एडम पियर्स को सीधा सीधा बोल दिया था कि क्या ये बच्चों वाली सिक्योरिटी तुमने हायर कर रखी है जो कभी रेट्रीब्यूशन को रोक नहीं पाते, तुम हमें हायर कर लो। तो काइंड ऑफ वो अब उनको एक इंडिविजुअल टास्क मिला कि भाई हमको रेट्रीब्यूशन को मारना है, और इस तरीके से एक क्योटिक ब्रॉल खत्म होती है मंडे नाइट रॉ को। और गाइस हमें देखने को मिलती है एक बहुत कमाल की डाइव मैकइंटायर और कीथ ली की तरफ से, फ्लिप डाइव करते हैं ऊपर से, मतलब कमाल था, और इस तरीके से शो हो जाता है खत्म। तो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ इन योर फेस टुडे वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, मुझे मजा आया शो को देख के। बहुत छोटे छोटे नेगेटिव्स थे जो कि मैंने पॉइंट आउट करे, लेकिन वो होता रहेगा, वो चलता रहेगा हमेशा ही शो पे, 100% शो अच्छा नहीं हो सकता। एंड अगर आपको अभी भी लगता है आई एम हेटिंग ऑन मंडे नाइट रॉ, तो गाइस आपको ये रिव्यू देखना ही नहीं चाहिए था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें इसे, थैंक यू सो मच वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं SL India।